नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। चौकी प्रभारी पाबो सूरज शर्मा का स्थानांतरण दुगड्डा चौकी हो जाने के बाद दीपक पवार द्वारा चौकी पाबो की जिम्मेदारी संभाली गई है। चौकी प्रभारी पाबो का प्रभार संभालने के बाद दीपक पवार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर रहेगी। उन्होंने कहा कि पाबो मुख्य बाजार में लगातार जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके मद्देनज़र उनकी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को मुख्य बाजार पाबो में जाम की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने इसके साथ ही क्षेत्रवासियों से अपील की कि सभी यातायात के नियमों का पालन कड़ाई से करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चौकी क्षेत्र के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था व पार्किंग व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस का सहयोग करें। जैसा कि मैंने देखा है यहाँ दो तीन दिन में राउंड लेने में कि हमारे पाबो बाज़ार बहुत छोटा बाज़ार है, यहाँ पे यातायात की बड़ी समस्या है, ट्रैफिक को लेके, पार्किंग को लेके, और क्षेत्र में जो नशा है उसके विरुद्ध हम अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। ये मेरी से इस प्रार्थना करेंगी। इसके लिए भी हम समय समय में स्कूलों में जाके एक जागरूक अभियान चलाया करेंगे, उनकी स्वयं की रक्षा के लिए उनको अवेयर करेंगे, सोशल मीडिया पर जो अपराध चल रहे हैं उनके लिए उनको अवेयर करेंगे। ये सब एक अभियान चलाएंगे हम स्कूलों में जाके। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।